तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और हम एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ एक टीचर बच्चों को ड्रैगन लिखना सिखा रही होती है, लेकिन डी नाम का लड़का ड्रैगन इतना पसंद होता है कि वो ड्रैगन ड्रॉ कर देता है, जिससे टीचर उसको क्लास से बाहर निकाल देती है। उसी के साथ एक लड़की को भी बाहर निकाल देती है क्योंकि उसने भी ड्रैगन ड्रॉ कर दिया था। उस लड़की का नाम लीना होता है। दोनों के पेरेंट्स स्कूल से पिक करने में देर हो जाते हैं, जिससे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से कसम खाते हैं कि दोनों कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। लीना के डैड को शहर जाना पड़ता है, डिन बस देखता रह जाता है। वहीं कुछ सालों बाद हमें डिन को ये दिखाया जाता है जो कुछ पैसे कमाने के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है। वहीं लास्ट डिलीवरी में उसको एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो अपने आप को भगवान बताता है, जिसकी बातें सुनकर डिन को सब मजाक लगता है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, इस टीपॉड में तुम्हें चुना है, यह तुम्हारी सभी विश पूरी कर सकता है। यह सब कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो जाता है। डिन वह डिपॉड रख लेता है और वहां से एक शोरूम में जाता है अपने लिए सूट लेने। वहां के महंगे सूट को वो खरीद नहीं पाता और दूसरे दुकान में चला जाता है जहां से सस्ता सूट खरीदकर वापस अपने घर आ जाता है और अपने माँ से झूठ बोलता है कि पढ़ाई कर रहा था। तभी वहां उसको दोस्त आ जाता है जो बिना देखे बोलने लगता है कि तुमने कितने दिनों से स्कूल नहीं आए हो, ना ही अपना होमवर्क पूरा किए हो। यह सब सुनकर डिन की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और डिन को पीटने लगती है। डिन बेचारा कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको दूसरे दिन लीना के बर्थडे में जाना था बढ़िया सूट पहन के, जिसके लिए वह पैसे जोड़ रहा था। लीना डिन को भूल चुकी है लेकिन डिन लीना को नहीं भूल पाया है। वहीं दूसरी ओर हमें तीन गुंडों को दिखाया जाता है जो उसी टीपॉट को ढूंढ रहे हैं। वहीं रात को 12 बजे डिन अपने घर से निकल जाता है वहीं सूट पहनकर। हमें लगता है कि वो लीना के मिलने जा रहा है लेकिन वो एक प्रोजेक्टर के पास आकर बैठ जाता है जिसमें लीना का एड आ रहा होता है। लीना अब एक मॉडल बन चुकी है। डिन का सूट बहुत सस्ता होने की वजह से फट जाता है। डिन लीन से मिलने की विश मांगता है जिसके कारण टीपॉट से विश ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो डिन को लगता है कि वो मर गया है और स्वर्ग में है, जिससे वो अपनी दादी को आवाज़ लगाने लगता है। तभी ड्रैगन डिन को सब समझाता है और कहता है कि तुम्हारे पास तीन विश है, तुम कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी सारी विशें पूरी करूँगा। डिन को समझ नहीं आ रहा होता है और यह भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या मांगे। तभी वहाँ पर तीन गुंडे आ जाते हैं टीपॉट को ढूंढते ढूंढते। तभी डिन अनजाने में विश करता है कि अगर मुझे लड़ना आता तो इन गुंडों को सबक सिखाता। तो ड्रैगन डिन की पहली विश पूरी कर देता है। डिन को अब सभी प्रकार के कंफू आती है जिसमें वो उन गुंडों को बहुत मारता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं घर आने के बाद डिन को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने माँ से पूछता है कि तुम्हें अगर तीन विश मांगने हों तो तुम क्या क्या मांगोगी। डिन की माँ उसको कुछ नहीं कहती पर कहती है कि टाइम से खाना खा लेना और बहुत सारी पढ़ाई कर लेना। अपनी माँ के जाने के बाद डिन ड्रैगन को बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे मेरे तीन विश मिल गए हैं, तुम मेरे पीछे आओ। या फिर ड्रैगन भी जल्दी में था और जल्दी विश पूरी करना चाहता था और डिन उसका दसवां मालिक है, जिसके बाद उस ड्रैगन को स्वर्ग मिल जाएगा। उस ड्रैगन का नाम लॉन्ग होता है जो सिर्फ टीपॉट का मालिक ही उसको देख सकता था। लॉन्ग हजारों साल इस टीपॉट के अंदर था जिसके वजह से उसे वर्तमान की कुछ भी जानकारी नहीं है। वह सभी चीज़ों को देखकर दंग रह जाता है। वहीं बस उसको पसंद नहीं आता और वो अपने लिए टैक्सी बुक करते हैं। आगे जाकर वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं जिसमें लॉन्ग सोचता है कि डिन जल्द ही परेशान हो जाएगा और अपना दूसरा विश मांगेगा। लेकिन डिन बहुत होशियार होता है और वह लॉन्ग को ही फंसा देता है, जिसके वजह से लॉन्ग उसको अपने ऊपर बिठाकर लीना के घर के बाहर आ जाता है। और लॉन्ग यह डिन से पूछता है कि अब क्या चाहिए, तुम्हें राजकुमार बना दूं या तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूं। तो डिन कहता है कि तुम 24 घंटे के लिए मुझे बहुत अमीर बना दो। गलती से लॉन्ग उसको एक प्रिंस बना देता है लेकिन फिर गलती सुधार कर उसको एक हैंडसम अमीर आदमी बना देता है और फिर एक मस्त सी कार भी देता है। और डिन के कहने पर लॉन्ग उसका पर्सनल असिस्टेंट बनकर लीना के बर्थडे में शामिल हो जाता है, जहाँ की रौनक देखकर डिन आश्चर्य में पड़ जाता है। लेकिन लीना डिन को पहचानती ही नहीं। तभी अनाउंसमेंट होता है कि लीना के पिताजी आ रहे हैं लेकिन लीना के पिताजी वहाँ नहीं आ पाते।
तभी लीना को इंसल्ट से बचाने के लिए डिन अपने कंफू का करतब दिखाने लगता है। वहीं लीना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर लोंग को पीछे एक लड़की पड़ जाती है। नशे की वजह से लोंग ड्रैगन बनने लगता है और वहां से भागकर टॉयलेट में चला जाता है, कमोड का पानी पीने लगता है और मुंह धोने लगता है। वहीं लीना को संभालने के लिए डिन उसके पास जाता है और जैसे तैसे करके उसको खुश कर देता है। दोनों की सोच एक जैसी होती है जिसके कारण वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। डिन लीना को कुछ और नहीं बताता और अपना नाम डैन बताता है। फिर लीना की बात उसके पिता से होती है। उसके पिताजी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं आ पाया लेकिन तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा हूँ। और साथ में वो डिन को भी देख लेता है और दोनों को लंच में जाने की कहता है। लीना मना नहीं करती और डिन को डैन मानकर लंच में जाने के लिए तैयार हो जाती है। डिन और लोंग जब घर आ रहे होते हैं तब लोंग डिन से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम्हें डर है कि तुम्हारी असलियत और गरीबी का पता चलते ही तुम्हें छोड़ देगी। डिन कहता है मैं जल्द ही उसको सब बता दूंगा। वहीं दूसरी ओर लीन के पिता जी का बिजनेस खराब हो जाता है और उसकी कंपनी बंद हो जाती है। वहीं हमें उन तीन गुंडों को दिखाया जाता है जो लीन के पिता के लिए ही काम कर रहे हैं। वहीं डिन घर पहुँच जाता है और उसकी हरकतें को देख कर उसकी मम्मी को लगता है कि डिन शराब पीने लगा है, जिससे वो शराब ढूंढने लगती है और डिन को पीटने लगती है। दोनों में लड़ाई हो जाती है, दोनों ही खाना नहीं खाते। वही तीनों गुंडे पूरी रात डिन का इंतज़ार करते हैं और डिन के घर के नीचे बैठे होते हैं। डिन जब अगले दिन बाहर आता है, बाहर निकलता है तो गुंडे उसका पीछा करते हैं। तभी डिन डैन बनकर लीन के पास पहुँच जाता है। डिन को कुछ समझ नहीं आता तो लॉन्ग कहता है जैसे जैसे मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ वैसे वैसे करते रहो, जिससे लिन इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन लिन डिन का व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। लीना गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। डिन उसको समझाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वहीं पर वो गुंडे आ जाते हैं। डिन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और साथ में लीना को भी अपने साथ भगाने लगता है, जिससे लोंग भी इनकी मदद करता है और एक ड्रैगन का कॉस्ट्यूम बन जाता है जिससे वह भाग सके। वहीं गुंडे भी एक ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं। फिर दोनों के बीच फाइट होती है। डिन और लीन दोनों बचकर निकल जाते हैं। वहीं स्कूल की गलियों में आने के बाद उसको सब याद आने लगता है। तभी लॉन्ग के 24 घंटे की मैजिक खत्म हो जाती है और डिन लीन को सब बता देता है कि वह उसका बचपन का दोस्त है। तो लीन कहती है समय बहुत बदल चुका है। तभी उसको अपने बचपन की गलियां या नज़र आती हैं और जहां वो मस्ती करते करते डिन के घर पहुंच जाते हैं, जहां लड़की को देखकर डिन की माँ गुस्सा हो जाती है। और डिन जब बताता है कि वो लीना है तो उसकी माँ शांत हो जाती है। लीना को कहती है तुम कितने सालों बाद आई हो। फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं। लीना बहुत खुश रहकर लीना और डिन उसी प्रोजेक्टर के पास जाकर बैठ जाते हैं, जहां लीना को पता चलता है कि डिन इतने दिनों में उसके फोटो से बात करता है। फिर लीना अपने घर चली जाती है। इसके बाद डिन बहुत उदास हो जाता है। वहीं लोगों को पता चल जाता है कि डिन एक बहुत अच्छा लड़का है और का अपनी सच्चाई बताने के लिए एक सुनसान जगह ले जाता है। लेकिन डिन के जाने के बाद बहुत गुस्सा रहता है और लोंग से अपनी तीसरी विश मांगता है, जिसमें वो बहुत सारा सोना और दौलत मांगता है। लेकिन लोंग उसको समझाता है और अपनी कहानी बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा राजा था, जिसमें धन और सोने के लिए किसी को नहीं छोड़ा, अपने परिवार को भी नहीं, जिससे जब मैं मर रहा था तब मेरे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत था लेकिन मेरा परिवार नहीं था। और ये जो मैं विश ड्रैगन बना हूँ वो मेरी सजा है जो भगवान ने मुझे दिया है। वहीं दूसरी ओर लीना के पिता बर्बाद हो चुका है। लीना वो जब उससे मिलने जाती है तो उसके पिता बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि उनको पता चल चुका था कि टीपॉट डिन के पास है। लीन को भी पता चल जाता है कि वो गुंडे उसके पिताजी के ही हैं। वहीं वो गुंडे डिन के पास पहुंच चुके हैं और डिन से वो टीपॉट मांगने लगते हैं, जिससे डिन टीपॉट लेकर भागने लगता है। लेकिन किसी प्रकार से वो टीपॉट गुंडों के हाथ में लग जाता है। लेकिन वो गुंडे लीना के पिता को भी धोखा दे देते हैं और खुद ही विष मांग लेता है, जिसमें उसकी वजह से वो जो भी चीज़
को छूता है वो सोने का बन जाता है। वहीं लिन के पिता बहुत ऊंची जगह से गिर जाते हैं जिसमें उसकी मौत हो जाती है। वहीं डिन लोंग को बचाने के लिए गुंडों के पीछे जाता है जहां फाइट के दौरान टीपोड और दोनों गुंडों को मिल जाता है जिसमें दोनों विष मांगते हैं जिसमें से पहला विष मांगता है कि मुझे बहुत सारे कुत्ते के बच्चे चाहिए, पप्पीज चाहिए, और दूसरा गुंडा बौना होता है तो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कहता है। फिर डिन और गुंडे के बीच लड़ाई होने लगती है। एक समय में दोनों के हाथ में टीपॉट आ जाता है। लॉन्ग कहता है मैं जिसके हाथ में टीपॉट होगा उसी की बात मानूंगा, क्योंकि लॉन्ग भी जानता था कि डिन अच्छा लड़का है, वो विष का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और डिन और गुंडे की लड़ाई में लॉन्ग डिन को बचाने के लिए आगे आ जाता है जिससे वो भी सोने का बन जाता है। गिरने लगते हैं तो गलती से उस गुंडे का हाथ अपने ऊपर भी पड़ जाता है जिससे वो भी सोने का बन जाता है। अभी सभी पानी में गिर जाते हैं। डिन लोंग को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। वहीं डिन उदास नदी के किनारे बैठा होता है तभी हमें लोंग को दिखाया जाता है जो स्वर्ग में पहुंच चुका है और अब स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल चुके हैं। उसके लिए जुलूस निकाला जा रहा है क्योंकि उसने अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचा था। लोंग और भगवान की बात होती है जिसमें लोंग कहता है कि मुझे अपने आका की लास्ट विश पूरी करनी है, आप मुझे फिर से विश ड्रैगन बना दो। उसके बार बार कहने के कारण भगवान उसकी बात मान लेता है और उसको फिर से विश ड्रैगन बना देता है। वहीं डिन नदी में बैठा होता है जिससे लॉन्ग निकलता है तो डिन बहुत खुश होता हो जाता है। अपने लास्ट विश में लिन के पिता को जिंदा कर देता है। डिन अपने घर आता है, उसको साथ लीना और उसके पिता भी होता है। सारे मिलकर खाना खाते हैं जिससे लिन के पिता को खाना इतना पसंद आता है कि वो उस डिन के साथ मिलकर रेस्टोरेंट खोल देते हैं। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर यह मूवी आपको पसंद आई है और हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।